आरएलडी कहते हैं या क्या कहते हैं, 20% जुखाब जाटवों का वोट एल लोकदर्मा हो सकता है। लेकिन इसमें इसमें ये देख रहे हैं कि इस क्या निर्णय है, तो ये क्या गठबंधन गठबंधन ही है, गठबंधन ही है। नहीं तो गठबंधन क्यों चाह रहे हैं आप? गठबंधन जो चाह रहे हैं भैया, कछु नई सरकार आ भी कछु नयो करेगी जी, तो बलादरा देख ली, सब तकलीफ है, तकलीफ है, सब तकलीफ है। राशन दे दिया तकलीफ हो गया। अरे यार राशन दे दो, काल राशन दे दो, तमाम बारे महंगाई कर दी है, मतलब 60 रुपए लीटर डीजल पे, 100 रुपए लीटर डीजल कर दो, 80 रुपए पे, 70 रुपए पेट्रोल, 70 रुपए पेट्रोल पे, 110 रुपए पेट्रोल कर दी, खाद बारे बढ़ाए दो, एक बार 4 किलो गेहूं दे दे, और दुनिया भर की महंगाई कर दे हर चीज पे, महंगाई बढ़ गई सरकार में और क्या, क्यों महंगाई नहीं बढ़ी है? बिजली चला नहीं पा रहे, बिजली पे महंगाई, डीएपी में दो सिलेंडर दे रहे हैं, अरे कब से दे रहे हैं, और फिर दो सिलेंडर देंगे, फिर 4 चीजें और बढ़ा के देंगे, डीएपी महंगा, यूरिया महंगा, लेड महंगी, गैस महंगी, क्या क्या सस्ता किया है भाई? भव्य राम मंदिर 400 रुपए का, 400 रुपए का सिलेंडर था, 950 रुपए का है, क्या सस्ता कर दिया, 2 सिलेंडर दे देंगे। महंगाई तो चलिए और सरकारों में बढ़ता रहता, घटता इतना रहता इतना किसी में नहीं बढ़ा है, इतना किसी में नहीं बढ़ा है भैया, 2000 रुपए लीटर का, 110 रुपए पेट्रोल हुआ है कभी, 100 रुपए लीटर डीजल हुआ है कभी, बताओ आप, वो 300 रुपए जो है खादू खत्म है जा रहा है, सी सी आंगी जा में सम्मान है, वो 300 रुपया दे के बायो छिड़कवाओ, खातू खत्म है जा रहा है, ये पहले तो दे सी सी, ये खाद भी, अगर ये बीजेपी आती है तो ये खाद भी खत्म है, किसान को बोला नहीं पड़ेगी सी सी, और भाई 300 रुपया दे के और भाई छिड़कवाओ, कोई बड़ा बूढ़ा है तो 300 रुपया दे और छिड़कवाओ, बहुत खर्चा बढ़ेगा। योगी जी कैसे लगते हैं, 5 साल देख लिया, सब तो बेकार, किसान के लिए सब बेकार, हाँ जी, तो किसके लिए सही है पे? हैं? किसके लिए? उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपतियों, और आप क्या मानते हैं? उद्योगपतियों के लिए, उद्योगपति तो इस बार कह रहे जो आंधी चल रही है, इस बार ना साइकिल दिखेगी ना नलका दिखेगा ना, वो समय बताएगा क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, ये तो अब तुम भी नहीं लिख के रखे आए हो क्या दिखेगा, हमने भी नहीं लिखा है, वो तो समय बताएगा क्या दिखेगा। हाँ जी हाँ, एक ही बात है सब कह रही भैया, क्या एक ही बात है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो जी कह रहे हैं नहीं जीतेगा, कौन जीतेगा? नल लोकदल जीतेगा। अच्छा लोकदल जिता रहे हैं आप पूरी तरह से? क्यों आरएलडी क्यों सपोर्ट करना चाहते हैं? आरएलडी इसलिए सपोर्ट करना चाहते हैं कि यहाँ भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, और आरएलडी वालों ने आरएलडी का जो वादा है संकल्प पत्र मैनिफेस्टो है वो पूरा करते हैं, जो भी कहते हैं वो पक्की बात है, अखिलेश जी ने आज तक जितने घोषणा पत्र में जो भी चीज की है वो सब पूरी की है उन्होंने। योगी जी भी कह रहे हैं, योगी जी ने 5 साल में कोई भी घोषणा पत्र में जितने वादे किए थे कोई भी एक वादा नहीं किया उन्होंने पूरा, आज तक का कोई वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। नहीं तो डबल इंजन की सरकार है ना, तो कह रहे धारा 370 का, धारा 370 से किस लोगों को फायदा, आम जनता को क्या फायदा है, धारा 370 से आम जनता को क्या लाभ हुआ है ये बताइए, धारा 370 से वहाँ जो जगह है वहाँ लेने के लिए जो बात हुई है धारा 370 में उल्लेख किया गया है वो भी जमींदारों पूंजीपतियों के लिए फायदा है उससे। तो इस बार क्या मुद्दा रहने वाला है? इससे जो विकास करेगा, बेरोजगारी जो खत्म करेगा उसी पार्टी को सपोर्ट। कौन विकास करने वाला है? अखिलेश गठबंधन सरकार वो करेगी पूरा 100%। सरकार में विकास हुआ कि नहीं? बिल्कुल होगा, पहले किया है देवेंद्र अग्रवाल जो पूर्व विधायक है यहाँ से सादाबाद से, उनकी बराबर कुरसंगा में किसी ने विकास नहीं किया है, विकास का जो मुद्दा है सबसे ज्यादा देवेंद्र अग्रवाल ने किया है, आज तक जितने विधायक हुए सबसे ज्यादा किसकी? बीजेपी की देन है ना भैया, सपा वाई नगी है आरसीसी, सपा वाई नगी नहीं खांचे उड़ा दे गोंटू गोंटू। देवेंद्र लाला हार गए तो तुमने विकास चढ़ा था? देवेंद्र लाला का विकास इतना बोलता है यार, मैं जानता हूँ, मैं हाथी का वोट हूँ, मैं तो भेंट कुमारी मायावती का वोट हूँ, लेकिन वोट अब फाइनल नहीं कर पाया, मैं योगी बाबा के भाषण सुनने गया था कि वो क्या कहेंगे, मैं कैंडिडेट को वोट दूंगा, लेकिन अभी निर्णय नहीं है बसपा का वोट किधर जाएगा, बैठा जुखाव आरएलडी कहते हैं या क्या कहते हैं, 20% जुखाव जाटवों का वोट एल लोकदर्मा हो सकता है। इसमें
ये क्या आवाज आ रही है? अच्छा, जो जो क्या कहते हैं, जो 40 साल से ऊपर के जो है कम के हैं वो 20% लोग दलित वोट देने की संभावना बन रही है, क्योंकि यहाँ से यहाँ जातवाद का वोट है, किसी पार्टी का वोट नहीं है। तो सब कह रहे हैं बीजेपी काम करती है। बहन कुमारी मायावती कहती न कानून आज है न हो सकती, लेकिन अपनी अपनी सरकार की तो सब कहते हैं। तो मायावती जी तो घर से इतना दिन हो गया निकल नहीं रही, वो पता है, वो इस वजह से नहीं आ रही। इस पार्टी में से पलंग चला जाता उसे हरा दो, उस पार्टी में से चला जाता उसे हरा दो, और जो महा जो वोट प्रतिशत घटेगा जरूर मायावती का, लेकिन वोट बढ़ेगा। अच्छा, तो जीता तो आप आरएलडी को रहे हैं? नहीं नहीं, मायावती जी को कर रहे हैं मजबूर है। मायावती वो नहीं जीत रहे हैं, सप्ताह में तो नहीं आने वाली है, लेकिन ऐसी भी खिचड़ी हो जाती है कभी कभी कि इनकी दोनों लटक जाएं किसी तरह, दोनों लटक जाएंगे तो बहन कुमारी मायावती मुख्यमंत्री होंगी, यानी 20 या 30 सीट से लटक जाएंगी, तो इनकी दोनों की बीजेपी की और सभा की मजबूरी होगी कि बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बनाया जाए। बेरोजगारी चरम सीमा पे और सरकार पूरी तरह से नाकाम है। ये सरकार अपनी नाकामियों को छुपा रही है। इन्होंने युवा के लिए कोई कुछ एक काम नहीं किया है, ना कोई भर्ती निकाली है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है। क्या कह रहे हैं? अरे आप लोग बात ही कर नहीं रहे हैं। आरएलडी अब क्या फिर से आरएलडी आने वाले, क्योंकि हमारे यहाँ पे पहले तो थी नहीं, पहले क्यों नहीं थी? सपा सरपा से गठबंधन हुआ है, फिर से कब आवे? पहले थी नहीं, अभी आएगी आरएलडी। आरएलडी 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 चलिए।